नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक, आज आपको बताऊंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये फैसला चेक बाउंस के केस के बारे में है और इस केस के फैसले के बारे में खास बात ये है कि भाई ये बहुत सारे केसेस को अफेक्ट करेगा ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो लोअर कोर्ट्स के ऊपर लागू होगा। और क्योंकि ये लीगली रिकवरेबल डेब्ट के बारे में है तो ऐसे बहुत सारे मुकदमे ऐसे होंगे जो इस मुकदमे के फैसले के कारण खारिज हो जाएंगे। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो ये केस था, इसका टाइटल मैं आपको बता देता हूँ। इस केस का टाइटल था दशरथ त्रिकम भाई पटेल वर्सेस हितेश महेंद्र भाई पटेल एंड अनदर्स। इस केस का नंबर मैं आपको बता देता हूँ, क्रिमिनल अपील नंबर 1497, साल 2022। दोस्तों, ये फैसला हमारे माननीय चीफ जस्टिस डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की कोर्ट का है। दोस्तों, इस केस के फैसले के जो फैक्ट हैं, अगर वो आपके केस से मैच होते हैं तो आप इसका प्रिंट लेके अपने केस में दे सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इस केस के फैक्ट्स बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही और लीगल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसलिए बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कीजिएगा और आल बटन पर क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों, इस केस में क्या था, इस केस में लीगली रिकवरेबल डेब्ट को एक्सप्लेन किया गया, बताया गया उसके बारे में कि भाई अगर पार्ट पेमेंट भी होती है तो लीगली रिकवरेबल डेब्ट माना जाएगा या नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर चेक बाउंस का कोई केस है और उसकी अमाउंट चेक में 2 लाख है, तो दोस्तों अगर चेक की जो तारीख है, मान लीजिए कोई पोस्ट डेटेड चेक दिया है, कोई अग्रिम तारीख का चेक दिया गया है, और उस तारीख से पहले अगर जो पैसे जिसकी देनदारी है वो पैसे, मान लीजिए 2 लाख का चेक था, उसने 50,000 रुपये पे कर दिए, तो जो 1.5 लाख की देनदारी है, क्या उस 1.5 लाख के लिए 2 लाख रुपये का चेक बीयर लगा सकता है? जिसके पास चेक है, क्या वो 2 लाख रुपए का चेक लगा के चेक देने वाले को सजा करवा सकता है? तो दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 5 पॉइंट्स को जो है बताया, पूरी जजमेंट को 5 पॉइंट्स में मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। तो दोस्तों, पहला पॉइंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि भाई अगर लीगली रिकवरेबल डेब्ट नहीं है किसी केस में, कि मान लीजिए किसी की देनदारी तो है 2 लाख रुपये की और चेक उसके पास है 4 लाख रुपए का, तो उसका लीगली रिकवरेबल डेब्ट यानी कि कानूनी तौर पे वापस लेने योग्य ऋण सिर्फ 2 लाख रुपए है, तो वो 4 लाख रुपए का चेक नहीं लगा सकता। तो ऐसे में जो अगर 4 लाख रुपए का चेक लगाया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है, तो मुकदमा खारिज हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि अगर चेक भरने और अकाउंट में लगाने के बीच में पार्ट पेमेंट हो जाती है तो वो चेक जो है, चेक का मुकदमा सस्टेन नहीं करेगा, वो खारिज हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, अगर कुछ राशि का भुगतान कर दिया गया है तो उस राशि की जो एक इंडोर्समेंट या नोट उस चेक पर करके उस चेक को लगाया जा सकता है, और अगर फिर चेक बाउंस होता है तो चेक बाउंस की कार्रवाई चेक देने वाले के खिलाफ की जा सकती है। उसके बाद चौथा पॉइंट जो है, चेक देने और चेक बैंक में लगाने के बीच में अगर पार्ट पेमेंट हुई है तो चेक देने वाले के ऊपर कोई सजा नहीं है। उसके बाद पांचवा पॉइंट ये है कि अगर लीगल नोटिस में ये लिखा जाता है कि भाई दिस सेड अमाउंट डिमांड करते हुए द सेड अमाउंट वर्ड यूज़ किया जाता है, तो जो चेक की अमाउंट है उसको ही सेड अमाउंट माना जाएगा। तो दोस्तों, इस केस से आपने क्या जाना कि भाई अगर आपने बीच में पार्ट पेमेंट कर दी थी तो अगर पूरी पेमेंट का फिर भी चेक लगाया गया है तो लीगली रिकवरेबल डेब्ट में आपका केस फॉल नहीं करता और चेक बाउंस का मुकदमा सस्टेन नहीं करेगा, वो खारिज हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो आप सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।